मुख्यमंत्री ने विगत दिनों प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी श्रृंखला में मुख्यतः समाज के पिछड़े वर्गों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, रेहड़ी फड़ी वालों, छोटे व्यापारियों व किसानों को अनेक प्रोत्साहन दिए जाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे प्रदेश सरकार राज्य में रह रहे श्रमिकों को और भी संतोषजनक व्यवस्था कर सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में लगभग 67 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा हिमाचल प्रदेश में भी लाखों लोग लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक प्रवासी मजदूर को बिना राशन कार्ड के भी 5 किलोग्राम गेहूं या चावल तथा 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जो एक प्रशंसनीय पहल है। पीआईटीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।